तो दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल होगा, ठीक है, कल के दिन में उसके ऊपर बात करने वाले हैं पूरा वीडियो। यहाँ पर यार एक समझिए, हमको ना यहाँ पर सेलिंग चाहिए था और वो सेलिंग आ गया। इस सेलिंग की बात समझिए, कम से कम ये जो पैटर्न पे सेलिंग आप देख रहे हैं ना, ये सेलिंग बहुत पहले से ही कैच किया हुआ था। चलिए समझते हैं, ये सेलिंग मिला बहुत अच्छा लगा। अभी क्या लेवल हो सकता है, मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट बढ़े हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़े हैं, ये सारा चीज़ हम देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको लेके चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे। बड़ी वाली कैंडल आ गई है जो कि 30 मार खान कैंडल है, ये एकदम खतरनाक बवाल मचा के रखी है ये वाला कैंडल, बहुत ही अच्छा है। समझिए सेलिंग, यहाँ प्रेसिंग दिखा हम लोगों को। चलो अभी समझते हैं, ठीक है। मार्केट में देखो यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट पकड़ा गया हुआ है जो कि बहुत पहले से बात हो रहा है, ठीक। कब से बात हो रहा है, यहाँ पर जिस दिन मैंने BTST लिया हुआ था, ठीक है, ये वाला पॉइंट, जब तक ये कैंडल नीचे क्लोज किया हुआ था तभी से कि भाई यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर मार्केट में हो सकता है, ये थोड़ा जगह दिख रहा है नीचे आने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या था, ये बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट ऐसे करके हमने बोला एक्टिवेट हो चुका है, इसका टारगेट नीचे और मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो दो पैटर्न की बात हमने किया हुआ था, ठीक है, एक बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न का बात किया हुआ था, एक पैटर्न यहाँ पर और कौन सा पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये पैटर्न देखिए, ठीक है, ऐसे करके HNS का पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर HNS का पैटर्न ऐसे करके ये वाला पॉइंट आप देखेंगे मार्केट क्या है, ये वाला कि हाँ यहाँ पर HNS भी हो सकता है। दो पैटर्न की बात हुआ था जो कि मैंने बोला था अगर यहाँ पर हम लोग ये वाला पैटर्न पकड़ लेते हैं बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न का, तो आपको मार्केट यहाँ पर आने के लिए दिखेगा दिखेगा, लेकिन हमारा पहले एंट्री यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे समझिए मार्केट तो और अच्छा यहाँ पे जगह दिख रहा है, ठीक है, 18,700 का यहाँ पे जगह दिख रहा है नीचे आने के लिए मार्केट में, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मार्केट में ये पॉइंट दिख रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को, अब मार्केट को एक करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सपोर्ट लिया हुआ, ठीक है, मार्केट ये पॉइंट ऊपर गया है सेम इसी पॉइंट पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के लिए इस टाइम पे। अब अगर यहाँ पर मार्केट समझिए ना सपोर्ट लेकर के अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब तो समझिए ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे दो पॉसिबल चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है मार्केट, या फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ पर रुक करके, ठीक है, अभी कल के दिन में नहीं, यहाँ मार्केट 2-3 दिन तक रुकना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है ब्रेक करे, फिर नीचे के लिए क्या है हम लोग रेडी हो जाएंगे और नीचे जाने के लिए। चलिए समझते हैं मेन मेन यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से लेवल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए लर्निंग पर्पज के हिसाब से ना आप लोग भी थोड़ा सा यार देखा करो, चार्ट को समझा करो, ठीक है, ये मैं लेवल का वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लर्निंग मिले, अच्छा खासा थोड़ा आप लोग सीखा करिए। तो ये पॉइंट चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट यही है, ये वाला कैंडल का लो और यहां पर कैंडल का लो देखेंगे तो यहां पर 19,236 का पॉइंट यहां पे निकल करके आ रहा है, ठीक है। आप राउंड लेवल अगर लेंगे 36 पॉइंट, तो 19,200 का लेवल यहां पे हम पकड़ के चलते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है मार्केट क्या है डाउन में यहां पे जाएगा। और बाकी ऊपर में तो ये वाला आपको पॉइंट बताया ही गया था, इसके नीचे मार्केट क्या है बेरिश है, बिल्कुल मार्केट बेरिश दिखा। अब चलिए समझते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जिसमें हमें प्ले करना है, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, चार्ट को करते हैं थोड़ा सा छोटा, देखने का ट्राई करेंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे चल सकता है। देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आप देख रहे हैं वहां पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी सपोर्ट वाला 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 ही है, ठीक है, ऐसे करके हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, करीब करीब मार्केट आप देखेंगे यहाँ पर भी सपोर्ट का पॉइंट है जो कि 19,236 का पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट दिख गया, इसको करते हैं अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या हो सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, इसको चार्ट को और छोटा करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में देखने का ट्राई करेंगे कि चार्ट पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीमियम मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ज़्यादा पीछे वहाँ तक नहीं जाएंगे तब। अब इसी में अपना क्या है एक अच्छा खासा समझिए लेवल यहाँ पे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला लेवल यहाँ पर पॉइंट में ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में आपका लेवल यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया यहाँ पे लेवल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे लेवल ड्रॉ करते हैं, ये सब लेवल्स नीचे साइड में हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो बताया गया है डेली टाइम फ्रेम पर भी, 19,200 का यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद में नीचे का जो सपोर्ट देखेंगे वो आपको दिख रहा है 19,100 के आसपास में, ये आपका लेवल है, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में निफ्टी का लेवल है। यहाँ पर चलिए हम लेवल्स को लिख देते हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट 19,200 का है प्रेजेंट टाइम में इस समय, ये वाला पॉइंट, ठीक है,
उसके बाद में क्या करेंगे हम, 19,100 का यहां पे फिर सेकंड वाला सपोर्ट है, 19,100 का यहां पे सपोर्ट है। उसके बाद में यहां पे देखेंगे 200, 340, 340, 39-40 के बीच में है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये जो रैली आई है, ठीक है, इतनी बड़ी रैली आई है, इसके हाफ में अगर देखेंगे हम लोग तो थोड़ा सा एक बार यहां पे देख लेते हैं कि रैली का हाफ मानते हैं यहां पे तो पॉइंट कौन सा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 19,342, थोड़ा सा कुछ नया लगा होगा यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, 19,340 का लेवल यहाँ पे हम मानते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद में भैया यहाँ पर देखते हैं, और 42 हो गया भाई, 300, ठीक, 19,441, यहाँ से सेलर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे खतरनाक तरीके से एक्टिवेट हुए थे, मार्केट को नीचे लेकर के आए हैं। फिर इसके ऊपर में हम 19,500 का लेवल देखेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। चलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, बहुत सही, यहाँ पे यार लेवल्स काफ़ी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखना ध्यान से एक चीज़, मार्केट अगर कल के दिन में, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा ना, पहला कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनाएगा, बाई करना, टेंशन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट यहाँ तक जाना ही वाला है यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है जहाँ पे लेवल है, ठीक है, क्या करना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है मार्केट में, यहाँ पे बाई सेल मत करना, या तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाएगा तब सेल करना, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तब क्या करेंगे, बाई करेंगे। ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है यहाँ पर। अब मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, बिल्कुल भाई यहाँ पर ओपन होगा ना, पहली कैंडल में यहाँ पर सेल करना, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक करेगा ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा खासा आपको मूव मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई करके, जो सेल करके बैठे हैं ना, मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होगा वो डर जाएंगे तुरंत, ठीक है, वो डर जाएंगे, थोड़ा मार्केट नीचे आने का यहाँ पे ज़्यादा चांस है। तो ये वाला आपको सिस्टम समझ जाएगा, डाउन साइड में मार्केट खुलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, बाई करना है, ऊपर खुलता है मार्केट, डाउन में आता है, सेल करना है, पहली कैंडल में आप सेल कर सकते हैं, बस मार्केट क्या है, इस कैंडल को ऐसे ब्रेक कर देगा, बहुत अच्छा होगा, दोनों लेवल एक साथ में ब्रेक कर दे, क्योंकि ना यहाँ पे मार्केट क्या, देखिए कुछ खास मूवमेंट नहीं किया हुआ है, ये वाला पॉइंट सीधा का सीधा समझिए क्या है, एकदम रेंज में है। तो बस ये सारे पॉइंट है निफ्टी के स्पॉट प्राइस पे। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी भाई काफी खतरनाक यहाँ पर भी सेलिंग। तो चलिए यहाँ पर आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, पहले जब भी हमें चार्ट को देखना, ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पहले चार्ट को देखेंगे उसको, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम समझेंगे। यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है क्लियर, कौन सा पैटर्न है, ये वाला पैटर्न आप देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर भी एक वेरी फ्लैगनफुल पैटर्न चला है, पहली बार। दूसरी बार यहाँ पर ना एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप देखेंगे एक बाइंग हुआ है, फिर सेकंड में क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, ये रेक्टेंगल का पॉइंट है, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और उसके बाद मार्केट नीचे निकला, आपका क्या है, सीधा का सीधा पॉइंट देख रहे हैं, बाहर आ गया है, ठीक है। तो बेरिश फ्लैगनफुल पैटर्न यहाँ पे चला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बड़ी कैंडल यहाँ पर भी आ गई। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 42,200 का यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे तो ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 42,800 का राउंड लेवल हम मान चलेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह और दिख रहा है बैंक निफ्टी में आने के लिए नीचे, कितना पॉइंट का जगह है यहाँ पे, तो करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे जगह दिख रहा है डाउन साइड में अभी आने के लिए चार्ट पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मार्केट में आप देखेंगे मार्केट जब तक ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये क्या है, सीधा का सीधा क्या है, बेरिश होने वाला है, ठीक है, जैसे यहाँ मार्केट आ गया, थोड़ा अब यहाँ पे अगर वेट करेगा एक दो दिन तक, ठीक है, अगर ब्रेक करता है फिर नीचे में तो हम नीचे के लिए और सोचेंगे, नहीं तो फिर क्या है, यहीं पे बाई करेंगे, सपोर्ट लेगा मार्केट, पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, बाई करेंगे, ऊपर जाएंगे, जहां तक ट्रेंड लाइन वो आपको क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, ठीक है, उतना टारगेट हम लोग समझ लिए हैं, यहां से बाई करेंगे सीधा ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। अब नीचे में अगर देखेंगे, ठीक है, तो नीचे में समझिए आपका 42,000 का टारगेट दिख रहा है नीचे में, अगर इसको ब्रेक करता है 42,700 का पॉइंट जो यहां पे दिख रहा है, 42,800 का पॉइंट मानते हैं करीब करीब, ठीक है, राउंड लेवल में, वैसे 43,000 का यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छा खासा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा जो है ना वो 42,800 का ही सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तभी समझिए 42,000 आएगा, 800 पॉइंट नीचे और जगह दिख रही है। तो चलिए आते हैं 15 में टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं, राउंड लेवल अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, इस टाइम पे कौन सा हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है,
तो 43,000 का ये साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है, ये 43,000 का साइकोलॉजी लेवल होता है मार्केट में यहाँ पर। उसके बाद में थोड़ा सा और डाउन साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, ये टारगेट निकल के आ रहे हैं सिर्फ ये सब लेवल्स हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये ऐसे करके आपके सामने ये बैंक निफ्टी का पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अब, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे बड़ा आपका जो सपोर्ट है कौन सा है, 43,000 का, ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका सपोर्ट है प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर का चार्ट है यहाँ पे, गलती मत करना, ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है। और 43,290 का आपका क्या है यहाँ पे, एक अच्छा खासा देखेंगे तो लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस आपके लिए बनेगा, आप क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है। और ऊपर देखेंगे तो 43,600 का यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो 42,634, 700-800 का पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, 42,800 का भी पॉइंट यहाँ पे है। तो हम लिखते हैं इसको पहले 42,800 का, क्योंकि ये बहुत ही समझिए कि अच्छा खासा। इसके बाद में एक ये सपोर्ट भी है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको भी कंसीडर करेंगे इसके नीचे। फिर आपका पॉइंट ये है 42,600 का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिख रहा है। चलिए 42,600 का यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद में इस लेवल को यहाँ पे देखिए 42,300 का, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इतना नीचे का नहीं, यहाँ तक का हम लेवल ऐसे देखते हैं। देखिए मार्केट में ना, अगर मार्केट अभी आप देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, ठीक है, मार्केट में क्या है यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया हुआ है मार्केट में। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है, बाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ही बाई करना, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आपको यहाँ तक पहला टारगेट 42,800, सेकेंड ब्रेक करेगा 42,300 तक आराम से जाएगा, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं ना, वो प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा तो बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट क्या है, अचानक में ऊपर जाएगा, ठीक है, हो सकता है पहली कैंडल ऊपर ऊपर ओपन हो जाए ऐसे करके यहाँ पे, और सीधा पहली कैंडल बड़ी यहाँ तक बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जो स्कैल्पर हैं वो ध्यान रखेंगे कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को, अगर मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होता है तो। उसके बाद में यहीं पर ओपन होगा मार्केट तो वेट करना है, या तो यहाँ पर आपको कोई कैंडल बने तो आपको बाई करना है। यहाँ पर यहाँ पर जाता है मार्केट, यहाँ से ओपन होकर के कोई कैंडल बनेगा बेरिश तो ही यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है, ठीक है, अचानक में पहली कैंडल इसको ब्रेक करती है, सेल कर देना, ठीक है, टारगेट आपको ये मिलेगा। दोनों तरफ के जितने भी लेवल्स हैं, बस ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं ना, इसको बस ध्यान रखना पड़ता है, इनको देख करके ही प्ले करना पड़ता है। एकदम आराम से आसान तरीके से हम लोग काम करते हैं, प्ले करते हैं, ऐसे ही लेवल ड्रॉ करते हैं। आप लोग देखिए क्या है ना, लेवल ड्रॉ किया करिए, थोड़ा चार्ट पे प्रैक्टिस किया करिए। मैं जो लेवल बनाता हूँ ये इसलिए बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग क्या है हमेशा प्रिपेयर रहो आगे के लिए। अब एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, ये सब सारे लेवल बने हैं, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको कोई लेवल दिया नहीं गया है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई लेवल दिया नहीं गया, लेकिन आप जब लेवल बनाना जान जाएंगे भाई, फटाफट लेवल ड्रॉ कर लेंगे आप मार्केट में। जैसे हम लाइव में आते हैं तुरंत क्या करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ ऊपर ओपन, कहाँ ओपन हो रहा है, उसी हिसाब से लेवल बना देते हैं। तो ये फंडा बस ये आपको याद रखना है, बाकी मार्केट जब इस रेंज में रहेगी, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे रहेगा इस रेंज में, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे रहेंगे आपके पास तो लेवल यहाँ पे रेडी है, कहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बस ध्यान रखना है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आज की वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं उसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।